अजीबोगरीब बात की जाती है कि आप झूठ बोलेंगे तो हम सच बोलेंगे। सन 2000 से जो लोग एक्टिव थे, जो पार्टी को चला रहे थे, अलमिया ये कि वही लोग आज एमकेएम पर इल्जाम लगा रहे हैं। जी हाँ, आज कराची में शदीद मुत्तहदा के हवाले से महाजराई देखने में आई, जहां आज 10वीं विकेट खयाबान शहर में मुस्तफ़ा कमाल साहब की सदारत में गिरी, यानी अशफाक मंगी की, और 24 अप्रैल के जलसे के हवाले से भी उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि वो तारीख बदल देगा। वहीं उसे थोड़ी देर बाद एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो लंदन में नदीम नुसरत साहब हैं, उन्होंने की, और एक एक बात का बहुत तफसील से जवाब दिया। कराची में तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई लंदन से भी खबरें जो हैं अच्छी नहीं आ रही। अच्छी ये कि मियां साहब की वापसी कब होगी, कोई कुछ कह रहा है कि 4 दिन बाद, कोई कह रहा है हफ्ते भर बाद, कोई कह रहा है महीने बाद। डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा तो वापस ही नहीं आएंगे। बगैर डॉक्टर साहब क्या की बात का क्या कहें कि वो तो खुद बेचारे अस्पताल में मौजूद हैं। और एक और बड़ा इस हफ्ते का जो पूरे रहा, जो कोई छोटू गैंग है उसने सराय की बेल्ट को हिलाया हुआ है, 7 पुलिस वाले हलाक हुए हैं, 46 अभी तक जर्रमाली हैं। और वो जो पुलिस के जो ऑपरेशन हो रहा था उसके बाद कहा जाता है कि जनाब उनसे नहीं संभाला और फौज को जो है ऑपरेशन देना करना पड़ रहा है। अब कच्चे के इलाके में मजहर हमारे खां हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, कोशिश करेंगे कि उनके बाद में जवाब दें। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आज कराची में सरजमीन पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की क़यादत ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे एक बार फिर जो मैंने कहा कि जो महाजाराई की कैफियत नज़र आ रही है, उसमें 24 अप्रैल बहुत हमें अहम है। मेरी शरीक मेज़बान डॉक्टर हुमा बकाई मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहिबा, तवा यानी कुछ सुबह से आ रहा था, दोपहर को खबर आ गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, आज अशफाक मंगी शामिल हुए, फिर नदीम नुसर साहब ने, वसीम आफ्ताब जो सीनियर रहनुमा हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब के ग्रुप या पाक सरजमीन पार्टी के, वो हमारे साथ हैं, और 24 अप्रैल इनकी टारगेट है जिसमें एक हफ्ता रह जाता है। 1, 2, 3, 4, 10। लेकिन जो इसमें अहम बात है और जो मैं शरीक गुफ्तगू मेरे ख्याल वसीम आफ्ताब भी हमारे साथ हो रहे होंगे और आप भी उसको आगे बढ़ा सकती हैं कि ये पहले तो ये कि ये एनपी के बाद गए, तहरीक इंसाफ के बाद गए, और इस वक्त भी जमात इस्लामी के पास मौजूद हैं, तो तासुर ये आ रहा है कि जो रवायती तौर पर जो मुखालफीन हैं उनको रुजू कर रहे हैं। और दूसरा क्या सवाल आपके जहन में आ रहा है ताकि आप वसीम आफ्ताब भाई को शरीक गुफ्तगू करें? दूसरा सवाल ये कि नदीम नुसरत साहब की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस हुई हुई थी और फिर आज दोबारा मुस्तफ़ा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एक इंटरेस्टिंग बात है, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उनका ख्याल है कि हुकूमत जो है वो कमीशन बनाए और एमक्यूएम को बैन करे, और आज जो मुत्तहदा है उसमें नदीम नुसरत साहब ने आवाज़ दी फौज को, फौज से शिकायत भी की और कहा, यह भी कहा कि हमें पता है किसके इशारे पे हो रहा है, और साथ साथ उन्होंने राहील शरीफ साहब से इंटरवेंशन की बात की। तो चाहे ट्रेडिशनल मुत्तहदा हो चाहे नई एमक्यूएम हो, आप आवाम के कंधों पे नहीं कुछ कर रहे, आप चाहते हैं या तो रियासत कुछ करे या एस्टैब्लिशमेंट कुछ करे। वसीम आफ्ताब भाई, देखिए सबसे पहले बात यही है कि नदीम नुसरत साहब मेरे ख्याल में शायद बहुत तकलीफ में हैं, बहुत परेशानी में हैं, इस वजह से शायद वो बातें इल्जाम करने नहीं लगे हैं भाई, इल्जाम पर बरतानिया में लगे हैं, और बीबीसी ने उनको रिपोर्ट भी किया है, फिर शहरियार खान साहब ने भी, नियाजी साहब ने भी उनको एक जगह कोट किया अल्ताफ हुसैन साहब को, और इसके अलावा तारिक मीर साहब के बयान हल्फी है वो हमने नहीं बनाए हैं, इल्जाम हमने नहीं लगाए, हमने तो उनको बताया है कि ये सारी चीजें हुई हैं, तो उनको तो चाहिए पहला मुतालबा बरतानिया से करें, हुकूमत बरतानिया से करें कि वो मुकदमा चलाए, तो क्यों नहीं चला रहे हैं उनके ऊपर, क्यों नहीं कर रहे हैं पीबीसी के ऊपर मुकदमा, एक बात। दूसरी बात ये कि मुजाहिद भाई देखें, हम ये सियासी जमातों की रिवायत रही है कि जब भी वो बड़े प्रोग्राम जलसे करती हैं वो अपने दोस्तों को सब, ये हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, तो सारे जितनी भी सियासी जमातें हम सबके पास जा रहे हैं, एएनपी के पास गए, जेयूआई एफ के पास गए, ईटीआई के पास गए, पीयूष पार्टी वाले दोस्तों को दावत दी हुई है, टाइम देंगे उनके पास भी जाएंगे, सबके पास जाएंगे जितनी भी मौत पे वतन। नहीं नहीं, वसीम आफ्ताब साहब, आप जितने लोगों के पास जा रहे हैं वो नोन है एज ट्रेडिशनल एंटी मुत्तहदा जमातें,
जो मुतहदा से परेशान जमाते हैं कराची में, ANP जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ के पास भी आप गए, ये वो तमाम लोग हैं जो जिनको मुतहदा ने मार्जिनलाइज कर दिया था और उन पे हावी हो गई थी। भाई देखिए ना, अगर MQM आइसोलेशन में चली गई है और वो किसी से रब्ता नहीं कर रखना चाहिए तो इस बुनियाद पे हम भी नहीं रखेंगे। भाई हमारी अपनी एक पार्टी है, उसकी अपनी आइडियोलॉजी, हम सबसे दोस्ती रखना चाहते हैं, इस माहौल को बेहतर करना चाहते हैं। और जो है ना, नेशनल पार्टी है, हम कोई शहर की पार्टी नहीं है। और JUIF फजलुर रहमान साहब को तो अभी पिछले दिनों MQM ने अपना सालिस बनाया था हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए, वो तो ऐसी बात नहीं है। और वक्तन पर वक्तन जब भी जरूरत होती है, MQM जिस समझ सियासी जमात से चाहती है मुशावरत करती है। अब ये उनकी बदकिस्मती है कि आइसोलेशन में चले गए। अब इस बुनियाद पर तो हम किसी से दोस्ती नहीं खत्म कर देंगे ना कि उनको पसंद। एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। इंटरेस्टिंग सी बात जो मुझे इस वक्त बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, जब भी फारूक सत्तार साहब तकरीर करते थे तो आप उसको एक सॉफ्ट रिस्पांस देते थे और कहते थे जी हम फारूक भाई के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते, क्या पता वो हमें ज्वाइन ही कर लें और MQM खुद उन्हें हमारे पास छोड़ जाएगी। आज मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि शरारत बढ़ेगी तो दवाई भी बढ़ेगी। और क्या नदीम नुसरत जो है वो फेस है अपोजिशन का और फारूक सत्तार साहब नहीं थे? नदीम नुसरत साहब तो एक वेल नोन रॉ के एजेंट है ना, जिनके बारे में कोई शकूक शबात थोड़ी है हम लोगों को, तो मुस्तनद रॉ के एजेंट है। फारूक सत्तार तो मासूम आदमी है, बेचारे वो बहुत तकलीफ में, इसलिए उनके लिए खैर ख्वाह है कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, सच की राह पर आए वो। लेकिन एक बात है वसीम अफ्ताब भाई, लोग ये कहते हैं ना कि ये जो आज आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है रॉ का, ये तो कसन 92 से लग रहा है, उस वक्त भी लोग गए और उसके 92 से लेकर तकरीबन 92 के बाद कोई 20-22 साल लोग आप तमाम शरीक रहे, तो क्या आप पहले आप ये समझते हैं आपसे गलतियां हुई, आपको अपने वो, मैं कोई गुनाह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसकी आप समझते हैं उसमें शरीक रहे, तो ये जो एक 22-24 साल से जो इल्ज़ाम लग रहा है आज आप कह रहे हैं, और इन तमाम कायदीन को जिनको नदीम नुसरत भाई को और डॉक्टर साहब को या अल्ताफ भाई को आप लोग फॉलो करते रहे, आज आप कह रहे हैं कि वो सब रॉ के लिए हम काम करते रहे, तो ये कुछ बात अभी तक कुछ मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी पॉपुलर बात है, ऐसी बहुत इम्प्रेसिव बात है, ऐसा कोई आपका मौसर मौकफ है जितने इतनी आसानी से तस्लीम कर लिया जाए, क्योंकि इसके साथ आपको सबूत भी पेश करने पड़ेंगे। आप कहेंगे कि अनवर साहब और तारिक मीर के बयानात हम दें, वो भी लंदन में मौजूद हैं, पुलिस के बयानों के ऊपर लोग यकीन नहीं करते कि जी वो तो कर लेते हैं, इवन ये कि जो दीगर इदारों पर भी एतबार लोगों को नहीं है, तो वसीम भाई आप यानी मुकाबला करने के बजाय सियासी मैदान में रॉ का एक कमजोर इल्जाम समझा जाता है सियासी बुनियादों पर। वो दवाई भी बता दें, कौन सी दवाई बढ़ाने वाले हैं? पहला तो ये मुझे पे मेरे ख्याल में, मैं शुरू में जो बात की वो शायद मैं समझा नहीं पाया, सच की थोड़ी सी मुश्किल ये होती है कि वो बड़ी मुश्किल से समझ में आता है। किबला मैंने इल्जाम नहीं लगाया, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो सबूत है ना, बात ये है जो इल्जाम जब तक उसको इल्जाम समझ रहे, जब तक MQM में शामिल रहे, जद्दोजहद की, सब कुछ किया, तकलीफें उठाई, वो इल्जाम हम जब तक इल्जाम समझते रहे खड़े हैं, वो इल्जाम नहीं है ना, वो प्रूफ मैंने, इल्जाम मैंने नहीं लगाए, वो इल्जाम MQM के उस आदमी ने लगाए हैं, बल्कि सबूत फराम किया है जो उसका पार्ट एंड पार्सल रहा। तारिक मीर साहब ने सबूत फराम किए, मैंने नहीं दिए, BBC ने सबूत फराम किए, मैंने इल्जाम नहीं लगाया है। तो मैं तो भाई वो सच जो सामने आ चुका है, जो मुझे जो तारिक मीर साहब ने, अनवर साहब ने मीटिंग में हमें बताया, हमने तो वो बात की है, हमने इल्जाम नहीं लगाया, हमने तो कहा जो सच उन्होंने हमें बताया है वो हमने मुस्तफा कमाल साहब को मेयर बनाने में मुतहदा ने फैसिलिटेट किया था, उस वक्त मुतहदा के रास्ते नहीं थे रॉ से और आपको उसका इल्म नहीं था, मुस्तफा कमाल साहब को उसका इल्म नहीं था। हमने ये बताया है कि ये सारी बातें हमें पता ही नहीं थी, ये बातें डॉक्टर इमरान फारूक की शहादत के बाद हमें बताई गई दुबई में एक मीटिंग में, जिसका मुस्तफा कमाल भाई जिक्र करते हैं। तो जब हमें, और वो ये खुद कहते हैं कि ये पार्टी में सिर्फ 5 लोगों को पता था, डॉक्टर इमरान फारूक शहीद जो इस दुनिया में नहीं रहे, इसके अलावा अल्ताफ हुसैन साहब, तारिक मीर साहब, नदीम नुसरत साहब एंड मनवर साहब। अब इसके अलावा जो उसका शरीक है जुर्म है, वो खुद कह रहा है कि हमारे अलावा कोई शरीक नहीं था, अब आप हमसे कहें कि भाई आप भी थे, तो भी ये आपकी, मैं तो इस मासूमियत में फिदा हो सकता हूँ और क्या हो सकता हूँ, आप हमारे बड़े हैं और चाहने वाले, हमारे हम आपके भी चाहने वाले हैं। लेकिन वसीम अफ्ताब साहब, आज जो दूसरा बात ये कि ये ठीक है कि मसलन अगर आप जमहूरी लोग हैं
اور آپ ایون یہ کہ تحریک انصاف اور اے این پی اور جماعت اسلامی کے پاس جا رہے ہیں اور جن پر الزام لگتے رہے ہیں جماعت اسلامی پہ بھی باہر کی فنڈنگ کے, اور لوگ تو آپ تو تحریک انصاف کو بھی لوگ کہتے رہے گے جی یہودیوں کی, مطلب یہ جو ایک سیاسی جماعت پر پابندی لگانا خود ایک غیر سیاسی بات نہیں, یعنی آپ سیاسی میدان میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پیر باندھ کر رنگ میں پھینک دیں اور پھر آپ کو کھلا میدان دے دیا جائے؟ میری بات کو چھوڑیں, ہم مجاہد بھائی ہو سکتے ہیں, بالکل آپ بہت اچھی بات کی آپ نے, مجاہد بھائی آپ نے اتنی خوبصورت بات کی ہے, اس سے خوبصورت کوئی بات کر نہیں سکتا, یہ آپ جیسے آدمی کر سکتا خوبصورت بات. میری بات ایک طرف رکھ دیں, ریاست ہے نا, ریاست کو کہ اپنے دفاع کا اتنا سا بھی حق حاصل نہیں ہے کہ اس کی سلامتی کے خلاف کسی نے کام کیا ہو اور وہ الزام نہ ہو بلکہ ثبوت ہو, وہ دوسرے ملک آپ کی سلامتی کے لیے وہ چلا رہا ہو کہ بھائی یہ چیزیں ہو رہی ہیں آپ کے ملک کے خلاف, کہ آپ اس پر بھی چلیں. صرف آپ محب وطن پارٹی ہیں, نہیں آپ, کوئی اور جماعت یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہی بلکہ اس ڈیمانڈ کو غلط سمجھتی ہے. بڑی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے, بہت ووکل جماعت ہے, کسی جماعت نے آج تک یہ نہیں کہا کہ متحدہ پہ بین لگا دیں, یہ تمام ثبوت ان کے سامنے بھی ہیں, صرف آپ نے یہ ڈیمانڈ اٹھائی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سچ کی مشکل یہ ہے کہ وہ بہت کڑوا ہوتا ہے, بڑی مشکلوں سے حاصل ہوتا ہے, اور ہمارے ریاست کی تو ناک مون کی ہے, جس کو دل چاہے جس طرح جن سے چاہے موڑ لے. ہماری تو یہ ہوتا ہے نا, ایک ثبوت جو سب کے سامنے ہے, ایک ثبوت جو پوری دنیا کا کریڈیبل چینل ہے وہ نشر کر رہا ہے, اس کے باوجود بھی ہم کہہ رہے ہیں بھائی یہ الزام ہے. بھائی خدا را یہ تو اپنا بولو کہ الزام ہے, بھائی ثبوت ہے, جو اس کا جس نے وہ جرم کیا ہے وہ خود ایڈمٹ کر رہا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا, پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں الزام ہے, تو بھائی یہ ہماری سادگی پہ تو فدا ہی ہونے کو دل چاہے گا نا بھائی, اگر جو بھی جس کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ پروف ہے اور اس کے بعد وہ نہیں بات کر رہا ہے تو یہ اس کی سادگی ہے. بھائی ہماری سادگی یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جماعت کا سربراہ, اس کے کچھ لوگ ملک دشمن ایکٹیویٹیز میں نہ صرف انوالو ہیں بلکہ اس کے ثبوت وہ خود فراہم کر رہے ہیں, ہم نے نہیں الزام لگایا, وہ خود فراہم کر رہے ہیں, تو پھر ریاست کیوں نہیں کر رہی؟ سر اس کا ریسپانس کیا ہونا چاہیے؟ سر بہت سمپل سا سوال ہے, اس کا ریسپانس ریاست کیا, ہم کو چھوڑ دیں, ہمیں ایک طرف رکھ دیں, جو ریاست ہے اس کو تو کرنے دیں نا. اچھا پھر آپ کی یہ ڈیمانڈ بھی ہونی چاہیے کہ نواز شریف صاحب مستعفی ہو جائیں, کیونکہ ایک بہت ہی زبردست جگہ سے ان کے حوالے سے بھی بڑے اہم سوالات آئے, وہاں پہ آپ کا ہمیں کوئی واضح سٹانس نظر نہیں آتا, یہ سوال قومی جماعت ہے. آپ نے تو وسیم بھائی پر خود شک ہے, ان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بین کر دو. صاحبہ ابھی مزید توپوں کا رخ جو آپ نے کیا ہے اس کے لیے ایک ذرا ایک بریک تو لینے دیں تاکہ وسیم بھائی کچھ دوبارہ تیاری سے آ سکیں, کیونکہ مجھے پیچھے کیمرے کے کہا جا رہا ہے, میں اس کے بعد پھر آپ کے پاس وسیم آفتاب بھائی آتا ہوں. کوشش کرتے ہیں, بیرسٹر سبقت اللہ قادری لندن میں موجود ہیں اور پاکستان میں جو سیاست ہو رہی ہے کراچی کے حوالے جو سیاست ہوتی ہے اور متحدہ کے حوالے جو سیاست ہوتی ہے اس میں لندن بہت اہم ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد, وقفے کے بعد. عجیب و غریب بات کی جاتی ہے کہ آپ جھوٹ بولیں گے تو ہم سچ بولیں گے. سن 2000 سے جو لوگ ایکٹیو تھے, جو پارٹی کو چلا رہے تھے, المیہ یہ کہ وہی لوگ آج ایم کے ایم پر الزام لگا رہے ہیں. چین 24 میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو سب کو خوش آمدید کہتا ہے. آپ کو علم ہے کہ جو پاک سرزمین پارٹی کی پریس کانفرنس جس میں ایک اہم اشفاق منگی صاحب نے جوائن کیا ہے, 10 وکٹ کہا جاتا ہے, اس کے بعد ندیم نصر صاحب جو ایک سافٹ اور بہت ہی جینون فیس بن کر سامنے آئے ہیں, بہت تفصیلی انہوں نے پریس کانفرنس کی اور ایک ایک ایشو کو اٹھایا. وسیم آفتاب صاحب میرے ساتھ ہیں, شریک میزبان ڈاکٹر ہما بقائی ہیں. دو باتیں ہم میخانے کر رہے تھے, ایک تو یہ بھی چلتے چلتے ہم وسیم آفتاب بھائی سے پوچھیں گے کہ جی کیا اب پیپلز پارٹی کے پاس بھی جائیں گے وہ, انہیں امید ہے کیونکہ زرداری صاحب اور الطاف حسین صاحب کے جو تعلقات اور جو رشتہ اب تک ہے وہ سب کو علم ہے.
اور پہلے اس بات کو پوچھ لیں پھر میں خان آگے بڑھیں. جی آپ جو جا رہے ہیں, اچھا ایک بات سے اختلاف کروں گی, میرا نہیں خیال کہ ندیم نصرت سافٹ فیس ہیں, میرا خیال ہے ندیم نصرت ایمرج ہوں گے ایز دی ہارڈ فیس آف ایم کیو ایم. اب جو ریئیکٹ کر رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے ہیرو بنایا, زیرو سے ہیرو بنایا. اب سوال یہ ہے کہ کیا ولن کو ہینڈل کرنے کے لیے ندیم نصرت آئے ہیں, کیونکہ ان کے حساب سے وہ ہیرو ولن ہو گیا. ہمیں کیا ملا, وہ کہتے ہیں جی میئر تو آپ کو بنا دیا, اب زیرو سے ہیرو کیا, اب ہیرو ان کے لیے ولن بن گیا ہے, تو اس کو کاؤنٹر کرنے ندیم نصرت آئے. کئی سوال آ گئے وسیم آفتاب بھائی. جی وسیم بھائی وسیم آپ سن رہے ہیں, جو پہلا سوال یہ کہ اب کیا پیپل پارٹی کے پاس بھی آپ جائیں گے اور نون لیگ کے پاس بھی جائیں گے؟ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. پھر آپ کو کیا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب ہمیں لائن پہ آئیں گے؟ میں بیرسٹر سے بھی رابطہ کروں. دیکھیے ایک ہی ہفتہ رہ گیا اور اگر پیپلز پارٹی سے رابطہ کرنا ہوتا تو اب تک رابطہ ہو چکا ہوتا. کیوں یعنی پیپلز پارٹی اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کا ٹارگیٹ نہیں ہے. پیپلز پارٹی ان کا ٹارگیٹ وہ تمام جماعتیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ متحدہ نے اپنی زور کے بل پر, اپنی ٹریڈیشنل سیاست کے بل پر جس میں ان کا ایک عسکری فیس تھا, اس کے بل پر جماعت اسلامی, جیسے آپ نے نعیم کے ساتھ ہم نے شو کیا تھا نا پچھلے دنوں, پی ٹی آئی جو تھی وہ اپنے ووٹ کو یہاں کنسولیڈیٹ نہیں کر سکی ایم کیو ایم کی عسکری فیس کی وجہ سے, خوف ڈر وہ جو ایک کہانی ہے, یہی اے این پی کہتی ہے, یہی جماعت اسلامی کہتی ہے. تو جو آج مصطفیٰ کمال کہہ رہے ہیں یہ تین جماعتیں تو بہت عرصے سے یہی بات کہہ رہی تھیں, تو ان کی آوازیں تو ایک دوسرے سے ملتی ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کی آواز ان سے ملتی ہے یا نہیں ملتی. اوکے دوبارہ وسیم بھائی آ گئے, جو سوال میرے خیال میں آپ مجھ سے پوچھ رہی تھیں براہ راست ایک تو یہ سوال وسیم بھائی, ہماری ڈاکٹر صاحبہ کا یہ خیال ہے, ہما بقائی صاحبہ کا جو میری شریک میزبان ہیں, کہ آپ شاید پیپلز پارٹی سے رابطہ قائم نہیں کریں. اب تک تو آپ صرف ان روایتی جماعتوں سے مقابلہ کر رہے ہیں کے پاس جا رہے ہیں جو روایتی طور پر متحدہ کی مخالف سمجھی جاتی ہیں, اور پیپلز پارٹی کے بارے میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ الطاف حسین صاحب اور جو تعلق زرداری صاحب کا ہے وہ سب کو علم ہے, لیکن کیا اب آپ پیپلز پارٹی کے پاس بھی جائیں گے پھر نون لیگ کا کے پاس بھی جائیں گے؟ وسیم آفتاب بھائی بھائی میں نے کہا نا کہ یہ ہما بقائی صاحب کی رائے ہو سکتی ہے اور اس رائے کا احترام کیا جا کرتے ہیں ہم, لیکن ہم تو سب کے پاس گئے. حاجی حنیف طیب صاحب شہر کی معروف شخصیت ہیں, جے یو آئی نوانی صاحب کے اس وقت پارٹی کے بڑے اہم محفل میں رہنما ہیں وہ. اس کے علاوہ ہم پی پغارا صاحب کے پاس بھی جائیں گے, مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے ہماری بات ہو گئی ہے, ان سے بھی ملاقات کریں گے. تو جو بھی پاکستان کی سیاسی جماعتیں, اب یہ اگر تاثر رقم قائم کر رہے گا ہم ایم کیو ایم کی مخالف جماعتوں سے ملیں گے تو یہ عجیب سی بات ہے, ہم ایم کیو ایم کا حصہ تو نہیں ہے نا, تو ایم کیو ایم کی پالیسی کو ٹوک رہے ہیں. پاک سر زمین اپنی ایک جماعت, نئی جماعت ہے نا, اس کی اپنی پالیسی ہے, وہ سب جماعتوں سے ملے گی, ساری سیاسی جماعتوں سے ملے گی. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ تواتر سے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ایک نئی جماعت ہیں, لیکن اب تک جو بھی 10 لوگ آپ کے فور فرنٹ پہ نظر آ رہے ہیں وہ سب تو ایم کیو ایم ہی کے ہیں. ابھی تک کون سی پارٹی کا, کوئی پیپلز پارٹی کا کوئی بڑا, اگر آپ کو ذوالفقار مرزا جوائن کر لیتے تو ہم سمجھتے کوئی نئی بات تھی, آپ کو تحریک انصاف کا کوئی ڈاکٹر جسٹس وجی الدین جوائن کر لیتے ہم سمجھتے, یہ کوئی کاف لیگ کا جوائن کرتا, کوئی نون لیگ کرتا. ابھی تک تو آپ کے جو بھی وکٹے گری ہیں جو کچھ نظر آتے ہیں ہمیں, وہ صرف اور صرف وہی نظر آتے ہیں جو پاس میں متحدہ کے سرکردہ سرخیل رہے ہیں. اب وسیم آفتاب بھائی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم ایک نئی پارٹی ہیں, کہاں سے نئی پارٹی ہم سمجھ لیں؟ آپ نے بہت اچھی بات کی, ایک دفعہ پھر آپ نے بہت اچھی بات. دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ سب بری باتیں کر رہی ہیں, اب میری باتیں تو سب آپ کو اچھی لگ رہی ہیں, اور ڈاکٹر صاحبہ کی میں تو سمجھ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ کی باتیں اچھی لگنی چاہیے, میری باتیں. دیکھیں آپ, میں نے کہا نا کہ سر مجاہد بھائی اور ہما صاحبہ ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہیں, آپ بے فکر رہیں, ہمیں گنے کے شربت کا چھڑکا بہانا آتا ہے, آپ بے فکر رہیں, 24 کا جلسہ ہو جانے دیں, یہ ایک ملک گیر پارٹی ہوگی, اس کے اندر اس کی مرکزی قیادت میں پاکستان کی ہر زبان ہر علاقے سے تعلق رکھنے والا آدمی ہوگا, یہ ہم کر دیتے ہیں, آپ بے فکر ہیں. میں نے کہا ابھی تو چونکہ سارا فوکس آپ لوگوں کا ہے کہ کون آ رہا کون نہیں آ رہا, ابھی کل تک یہ تک آپ لوگ سے اردو بولنے والے ہیں, اب ماشاءاللہ ایک سندھی ایم پی بھی آ گیا ہے, تو آپ بے فکر ہیں مجاہد بھائی,
सबकी तसल्ली और तशफी पूरी करेंगे और सब होंगे सिंधी पंजाबी पख्तून। तो फिर क्या ये समझा जाए कि फिर ये समझा जाए कि फिर एक नई रिपब्लिकन पार्टी बनाई जा रही है? कहा जाता है कि फिर इस्टेब्लिशमेंट एक नई पार्टी, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी तैयारियां हो रही है, फिर शायद वो कह रहे हैं कि किन्होंने भेजा है, किसने भेजा है, कैसे भेजा है, तो फिर ये समझा जाए? एक परसेप्शन की बात कह रहा हूँ मैं वसीम भाई। देखिए मुजाहिद भाई, मैंने कहा ना ये आपकी राय हो सकती है, अचानक किसी सियासी जमात के पास अवामी मैंडेट है और लोगों की ताकत, तो उसको तो परेशान की जरूरत नहीं आनी चाहिए। अगर हमारे पास अवामी ताइज होती तो हम तो मतलब फारिग हो जाएंगे जल्दी, तो परेशानी किस क्यों हो रही है? नहीं परेशानी, क्यों लंदन से बैठ के आप इतनी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? चार पांच लोग हैं ना आपके, वसीम आफ्ताब साहब, परेशान क्यों? देखिए परेशानी इस बात की है कि ये भी आप कह सकते हैं कि ये मेरी राय है और आपको इससे इख्तलाफ है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल तो ऐसे लगती है ना कि MQM जो है उसको दीवार से लगाया जा रहा है। आज भी उन्होंने कहा जी कि 6000 बंदे हमारे जो हैं वो पकड़े गए, बीसियों हजारों जो हैं वो लापता हैं या उनकी खैर खबर हमें नहीं है। तो कह रहे हैं कि MQM को तो दीवार से लगाया जा रहा है और आपके लिए कारपेट बिछाया जा रहा है। आप सुकून से शहर में आ भी गए, पब्लिक रबते भी कर लिए, अब जलसे भी कर रहे हैं, लोग भी आपके पास आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है और उन पे कदगन लगाई जा रही है। सवाल ये है, देखिए हमारे लिए तो देखिए MQM के कारकुनों के लिए कम अज कम ये तो हमने खुशखबरी की नवीद सुनाई कि वो लोग जिनको कल MQM डिसोन कर देती थी, अभी कह रहे हैं 6000 लोग लापता है, तो ये तो उनके लिए खुशखबरी की नजीद है कि हमने इनको इस काबिल तो कर दिया। ये कह रहे हैं कि 6000 लोग लापता है हमारे, परेशान है, तो इनमें तो बहुत सारे लोग पकड़े जिनको ये भाई कल तक ये सौलत मिर्जा को ओन करते थे, जब मुश्किल वक्त आया सौलत मिर्जा को डिसोन कर दिया। सारे अजमल पहाड़ी जितने भी लोग हों, हम तो इन सब की बात करें कि भाई इन सबके लिए आसानियां पैदा करें, इन सबके लिए इनको आसान करें ताकि लोग सियासत कर सके। और हमें आप लोगों को भी डिसोन कर दिया तो इस वजह से तो इनमें नहीं, हमें तो हमने उस पार्टी को छोड़ दिया, हमारे छोड़े MQM को देखें कि वो उसको क्या करना है, वो हमारी तरफ तवज्जो न दे, उसके पास तो लाखों करोड़ों लोग हैं बगौर उनके, तो एक तीन चार लोगों से इतनी परेशानी क्यों है उनको? इतमान के रहना चाहिए उनको। और ये अच्छी बात है क्योंकि कारकुनों की परेशान कर रहे हैं, आप परेशान कर रहे हैं उन्हें। MQM जिस हिसाब से परेशान हो रही है, मैंने कहा ना तो उससे लग नहीं रहा आपको कि अभी जो इलेक्शन हुए हैं इसमें 7% टोटल वोट पड़े हैं, यानी कि तो बात है उनके लिए। ओके वसीम भाई, आप जरा हमारे साथ रहिएगा। बैरिस्टर सिबगतुल्लाह कादरी लंदन में हैं और बैरिस्टर साहब भी मुत्तहदा की और कराची की सियासत समझते हैं। बैरिस्टर, आज नदीम नुसरत ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन, पहले तो हमें ये बताएं कि जो लंदन में जो भी स्ट्रक्चर है, पहले तो हम मोहम्मद अनवर का नाम सुनते थे बहुत नुमाया और दीगर, हम नदीम नुसरत साहब को जो उन्होंने बहुत ही कुछ पौन घंटे खिताब किया और कराची और लंदन में काफ़ी लोग नजर आए, उनका कितना मौसर किरदार आप देखते हैं? अगर कोई कहे कि अल्ताफ हुसैन के बाद अगर कोई सियासी तौर पर कदोकामत के एतबार से बैरिस्टर कादरी, जब बात सीधी है जहां से मोहम्मद अनवर का ताल्लुक है, मोहम्मद अनवर के अल्ताफ हुसैन से इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, ठीक, उनका अल्ताफ हुसैन पे असर है, अल्ताफ हुसैन की सुनते हैं। लेकिन जहां तक क़यादत का मामला है, जहां तक राबता कमेटी की लीडरशिप का मामला है, मोहम्मद अनवर उसके पीछे हैं, उनको आगे नहीं किया गया और अल्ताफ हुसैन की जगह नदीम नुसरत की बड़ी अहम पोजीशन है, क्योंकि अब अल्ताफ हुसैन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं, इसलिए अल्ताफ हुसैन की जगह नदीम नुसरत करते हैं। नदीम नुसरत बहुत इंपॉर्टेंट है बरतानिया की राबता कमेटी में और अल्ताफ हुसैन की जगह उनकी है। मोहम्मद अनवर कभी कॉन्फ्रेंस किए ना करेंगे कभी, उनका रोल दूसरा है, इनका दूसरा है, वो बहुत करीब हैं, जो जितनी करीबी बातें होती हैं दिल की बातें होती हैं वो मोहम्मद अनवर से ज्यादा होती हैं मेरे ख्याल में। एक और बात फिर मैं वसीम अख्तर, जो बेस्ट है, अब तक जो लोग अलग हुए हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से, और मुझे, मैं जब लास्ट टाइम गया था आपने कुछ इशारा भी किया था, अनीस कायम खानी, अनीस अहमद एडवोकेट, डॉक्टर सगीर, फिर हमारे वसीम भाई, मुस्तफ़ा कमाल, तो ये जो 10 लोग अलग हुए हैं, इसके बाद आपका पूरा MQM की तारीख है, क्या समझते हैं आपके MQM को लंदन और कराची में, राबता कमेटी में, उसकी तंजीम में, उसकी सियासत में, उसके फ्यूचर में? बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा झटका लगा है।
मेरा ख्याल है कि उनको बड़ा बहुत बड़ा तो खैर मैं नहीं कहूंगा, बड़ा मुश्किल होता बहुत बड़ा कहना, बहुत बड़ा, लेकिन बड़ा धचका लगा है क्योंकि जहां तक किसी का ताल्लुक था, मैं उस वक्त कराची में था, आपको याद होगा प्रेस क्लब आता था मैं उस जमाने में, हकीकी का मामला दूसरा था। मेरे रिश्तेदार भी थे बहुत से, मैं खुद मुहाजिर हूँ, मेरे वालिद साहब मुहाजिर थे, मेरे रिश्तेदार भी परेशान थे कि उस जमाने में फौज खुल के फौजी घरों में कूद रहे थे, लोगों को गिरफ्तार कर रहे थे। उस जमाने में जो है हकीकी को प्रॉपर फुल फ्लजेड सपोर्ट दी जा रही थी, नॉन जीरो को लॉकअप कर दिया गया था, आवाम के सामने क्लियर बात की। अच्छा, दो सवाल क्विक छोटे आपका जवाब के, दो क्विक। आपका ख्याल में पाक सरजमीन पार्टी पर, क्योंकि आप भी, आपको भी इल्म है कि जो महाजिर सोच आई थी वो एमकेएम के प्रोग्राम नाम और कायद पे आई थी, क्या वो सब पाक सरजमीन पार्टी पर चले जाएंगे? और दूसरे जो पॉपुलर सवाल है डॉक्टर साहिबा कि क्या पाक सरजमीन पार्टी बनाने वालों में कुछ पाक सरजमीन पर जो असल हुकूमत करते रहे उधर से कुछ है? तो मैं वसीम भाई से पूछूं, बल्कि डॉक्टर जी बेसर क्विक दोनों सवालों के जवाब। ये पहली बात यह है कि जहां तक पाक सरजमीन पार्टी है, बेसिकली चाहे वो कुछ भी कहें मैं उनको जानता हूं, किसी की बेस होनी चाहिए। जाहिर बात वो कहते हैं पूरे पाकिस्तान की पार्टी है, वो पंजाब की है, इधर की उधर की, लेकिन 24 तारीख को पता चलेगा बेसिकली तो उनको मुहाजिर कराची की पॉपुलेशन की सपोर्ट लेनी है, मुहाजिर की लेनी है। मुहाजिर के मुहाजिरों के बड़े बहुत मसाइल हैं, बड़ी शिकायत हैं, उनको हल करना पड़ेगा, इनको दूर नहीं रह सकते, अंदर से ये भी मुहाजिर हैं और ये इनकार नहीं कर सकते। लेकिन यह है कि इस दफा तो में खासी तशवीश पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर लंदन में इनके वर्कर से मेरी मुलाकात होती है, लीडरों से तो लीडर तो नहीं कहते, तो वर्करों में खासी परेशानी पाई जाती है। और मेरा ख्याल है इनको सपोर्ट मिल रही है, ऑफिशियल सपोर्ट भी मिल रही है। और जिस तरह इलेक्शन में अभी वसीम भाई कह रहे थे कि जो इलेक्शन में हुआ 7% वोट पड़ा है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, लोग घरों से नहीं आए निकल के, इसलिए नहीं कि अस्सी वाले लाइन एरिया मारपीट कर रहे थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने लोग बड़ा कंफ्यूज हो गए हैं इस वक्त जो रॉ के बारे में प्रोपंडा चल रहा है। इसलिए जरूरत यह समझती है कि एमक्यूएम खुद कहे हुकूमत से कि इस प्रोपंडे को खत्म करो, इसके बारे में तहकीकात कराओ, सुप्रीम कोर्ट से तहकीकात, किसी से तहकीकात करें। और ये बड़ा सख्त एलिगेशन है इस मामले में, एमक्यूएम के हक में, एमक्यूएम की लीडरशिप को डिमांड करना चाहिए। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये फरमाइएगा कि आपने कहा कि ये जो इल्जाम है ये बहुत सख्त इल्जाम है, जो पाक सरजमीन पार्टी कहती है वो कहती है ये इल्जाम नहीं है, दिस इज प्रूवन बियॉन्ड डाउट, और इसके लेकर पार्टी को मुतहदा को बैन कर देना चाहिए। और आप भी खुद पहले भी जब आप भी ये कहते रहे कि जनाब हमें इंडिया, हमें हम कराची वालों को, हम लोगों को हमेशा इंडिया का गद्दार टाउट करा दिया था, गद्दार कहा जाता था। ये तो जनापुर का किस्सा भी आया था, तो क्या ये अब के ये बात ज्यादा सच है? इन सवालों के जवाब लेंगे, मुझे मैं सवालों के जवाब दूंगा एक ब्रेक, क्योंकि मुझे कहा जा रहा है कि बैरिस्टर आप साथ रहिएगा। वसीम भाई अब जो लास्ट, अब मुझे कंक्लूड करना है इस बात को, खास तौर पर इस गुफ्तगू में जो डॉक्टर साहिबा ने सवाल उठाया है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी मुजाहिद एक बार फिर खुश आमदेद कहता है, शरीक के मेज़बान डॉक्टर हुमा बकाई मौजूद हैं, बैरिस्टर सपूतुल्लाह कादरी हमारे साथ हैं। मेरे ख्याल में नदीम नसर साहब ने जो आखिर में बात कही है वो खुद एक सवाल है, और वही सवाल क्यों ना वसीम आफ्ताब से मजीद आप हमने जो बात नहीं, नहीं, नहीं वो उस पे ये भी कह रहे हैं ना कि जो लोग हमारे साथ अभी आखिरी लाइन आई थी, सबगत अल्लाह साहब कुछ बताना चाह रहे थे ना जो हमने रॉ के प्रसिप्शन वाले से बात की। जी मैं ये बल्जा मैं ये अर्ज कर रहा था कि जहां तक रॉ का ताल्लुक है, जो न्याजी साहब ने कहा है वो तो इल्जामी है ना, जब तक सबूत ना आए। जो स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा है वो भी स्कॉटलैंड यार्ड ने इल्जाम लगाया है कि अनवर साहब ने ये तस्लीम किया है, अनवर साहब को इसको डिनाई करना चाहिए, और चूंकि डिनाई नहीं कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं जी ये इल्जाम नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन जो भी है आप क्या समझते हैं उनको चाहिए? बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है उसका बहुत हवाला देती है पाक सरजमीन पार्टी, उसमें भी उसकी कितनी उसमें भी सही है, उसमें भी इल्जाम ही है। लेकिन जब बात सीधी ये है कि इल्जाम बड़े सीरियस हैं, और चूंकि डिनायल नहीं आया इसलिए लोग कहते हैं कि चूंकि डिनायल आया इल्जाम डिनाई करूंगा, डिनायल आया है, अनवर का डिनाइल नहीं आया कभी भी कि मैंने ये नहीं कहा, आप कह रहे हो सामने नहीं आते नमीर का डिनाइल आया कि इसका डिनाइल से मैंने नहीं कहा। जरूरत यह समझ की है कि ये एमक्यूएम के हक में, दूसरी चीज ये कि कोई भी पाकिस्तानी ये नहीं चाहेगा कि एक सियासी जमात को इलीगल बैन कर दिया जाए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। हमें याद है क्या हुआ वली खान के साथ, मेरा ख्याल ये बात बिल्कुल गलत है कि एमक्यूएम को बैन किया जाए। अगर मोहम्मद अनवर या अल्ताफ भाई या मीर या कोई और रॉकेट से पैसा लेता रहा है, उनको सजा दी जाए, उनको निकाला जाए,
लेकिन एम क्यों बैन नहीं करना चाहिए। जी वसीम भाई, आप जो बैरिस्टर से सवाल, क्या कहेंगे आप? लेकिन मैं समझता हूँ बैरिस्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की है, और देखा जाए तो टेक्निकली बात बिल्कुल सही कर रहे हैं कि एक पार्टी जिस पर इतना बड़ा इल्जाम है, देखिए हर तरह के इल्जाम को आप डिनाइल दे दें, और एमजीएम की तारीफ में तो अगर उसके फांस भी चुक जाए, अरबों रुपए के दावे तो उसने यहाँ पाकिस्तान के लोगों पर दायर किए होंगे। मुजाहिद भाई, मैं समझता हूँ आपके चैनल पे या आप पे भी बोल सकते हैं, शायद आप मोहब्बत करने वाला आपका ना किया हो, वरना तो हर सियासी जमात के रहनुमा को छोड़कर हर चैनल के किसी बड़े एंकर के ऊपर दावा किया हुआ एमजीएम ने। तो भाई सबसे बड़ा इल्जाम बीबीसी ने लगाया है, लंदन की अदालतों के इदारों का इतना वो मदासराई करते हैं, तो एक 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 दावा ठोके बीबीसी के ऊपर कि भाई इन्होंने हम पर गलत इल्जाम लगाया है, और वहां के इदारे तो साफ और शफाफ है, अरबों पाउंड जो है ना मिलेंगे आराम से, अल्ताफ हुसैन साहब की जायदाद में भी इजाफा हो जाएगा इस तरह से। तो भाई बीबीसी को अब तक छोड़ा हुआ क्यों है? छोड़ो पाकिस्तान की बातों को, बीबीसी पे लगा दें, फिर एक दावा ठोक दें कि भाई तुमने गलत रिपोर्ट चलाई है, हम रॉक एजेंट नहीं है, पाकिस्तानी है, प्रूफ करो वरना तुम्हारा अरबों पाउंड हमें। इतनी आसान से बात है, अब अगर ये समझ में नहीं आ रही है उनके तो नहीं, बैरिस्टर तो कह रहे हैं कि पाबंदी का मुद्दा। वसीम आफताब साहब, बैरिस्टर साहब ने एक और बहुत अहम बात कही, उन्होंने कहा कि अगर ये आप भी कहते हैं कि ये चार पांच लोग जो हैं, अगर इनके, अगर हम आपकी बात मान लें, अगर हम इन इल्जामात को दुरुस्त मान लें कि इनके रवाबत थे एक दुश्मन मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ, या हैं, या वो उनसे फंडिंग लेते थे, तो इन लोगों को निकाल बाहर कर देना चाहिए। आप तो कह रहे हैं पूरी जमात को बैन कर दें और हमारे लिए मैदान खुला छोड़ दें। नहीं नहीं हुमा साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, हमारे लिए तो हम अपना मैदान खुद बनाएंगे, बेफिक्र हैं हम, जब आवाम के लोग हैं आवाम से आवाम के पास जाएंगे, हम एम के एम के सारे लोगों को कब कह रहे हैं, हम तो कहते हैं कि वो बेचारे मासूम हैं, हम उन्हीं की तो बात कर रहे हैं जिनको ये डिफोन कर देते हैं बेचारों को क्रिमिनल बना, उसके बाद बोलते हैं इनको हम जानते नहीं, इनका हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि रियासत अपना एक्शन ले, जो आदमी इन्वॉल्व है उसको कोर्ट में लेकर आए और सजा दे, नहीं है तो बाइज़त बता दे कि नहीं भाई ये सब अच्छे लोग हैं, आपने गलत बयान दिया है, लिहाजा माफी मांग ले, भाई हम माफी मांग लेंगे। अब ये कह रहे हैं कि मुत्तहिदा को बैन ना करें, अब आप ये कह रहे हैं? देखें मैं ये कह रहा हूँ, हम ये कब कह रहे हैं कि किसी बेगुनाह इंसान को जो है ना आप फांसी चढ़ा दें, मुत्तहिदा जमात को बैन करें या ना करें, ये डिमांड आपकी है या नहीं? आप देखें ना, बेगुनाह पार्टी को बैन करा है, आप मैं देखें एक आदमी है वो पार्टी का ओन करता है, सियासत का मालिक है, तो पार्टी उसी की मिल्कियत हुई ना। अब अगर वो कहता है नहीं भाई मैं अलग हूँ एमकेएम अलग है, तो हम ये कब कह रहे हैं कि अगर एमकेएम अच्छे लोगों पर मुश्तमिल है चलाते रहिए, एमकेएम बुरे लोगों पर मुश्तमिल है, मुल्क के खिलाफ काम कर रही है, आप उसको बैन कीजिए, सीधी सीधी बात है। सबकत उल्ला साहब, अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो एमकेएम के वारिस वाली हैं, तो अगर उन्होंने कोई गुनाह किया है तो सजा पूरी जमात को मिलनी चाहिए, मेरी बात नहीं, उनको जेल में डाल दें, उनको बंद कर दें और मुंबई फौरन पहचान जाएंगे, अगर अगर फ्री फेयर ट्रायल होता है तो जो हम क्यों की जितनी लीडरशिप है, जो जेन्युइन मोहब्बत वतन है, वो खुद ही निकाल देगी। लेकिन ये कहना कि बैन करने के बाद तो उन्हें शहीद बनाएंगे आप। जी वसीम भाई, मेरी एक राय है, आप अदालत में चलाइए, अच्छे लोगों को अलहदा कर दीजिए, हम कब कह रहे हैं, मेरी राय, आप मेरी जिस तरह आपकी बहुत सारी बातों से मैं इख्तलाफ कर रहा हूँ, आप भी मेरी बातों से इख्तलाफ नहीं, यही तो माशरे का हुसन होना चाहिए कि हम एक दूसरे को इख्तलाफ बर्दाश्त करें। मैं ये कह रहा हूँ कि एमके में अच्छे लोग हैं, हम ये बात शुरू से कह रहे हैं, हमें अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, जो लोग वतन अच्छे लोग जमीन में आ गए और बुरे लोग एमके में रह गए। नहीं नहीं ये बात मैंने नहीं, हम लोग नहीं कह रहे हैं, अच्छे अभी भी वहाँ अच्छे लोग हैं, अभी भी एमकेएम में अच्छे लोग हैं, मुजाहिद भाई अभी भी अच्छे लोग हैं, वो सारे अच्छे लोग आपकी तरफ आने वाले नहीं, जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी चाहते हैं वो यकीनी तौर पर जहाँ कहीं भी रहे हमारी दुआ इनके साथ हैं। हम 20 इस करोड़ इस मुल्क में 20 करोड़ लोग लेते हैं, चले आपकी बात मानते हुए 10 लाख एमकेएम के लोग हैं, भाई 2 करोड़ 40 लाख लोग फिर भी फ्री है ना, हम उनको एड्रेस कर रहे हैं, एमकेएम के कारकुन को नहीं बुलाना चाहते, वो आ रहे हैं तो ठीक है। वसीम साहब, हाइपोथेटिकली मैं आपसे एक सवाल पूछूं, बिल्कुल हाइपोथेटिकली, अगर आज ये बात हो जाती है कि जो चार पांच लोग जो हैं, जिनका जो आप समझते हैं कि उनके हाथ रंगे हुए हैं मुल्क की गद्दारी से, अगर वो अलहदा हो जाते हैं तो फिर आपको मुतहदा से कोई तहफ़ुज़ात नहीं है, उनसे आपको कोई मसला नहीं है, फिर आप उसमें जम हो जाएंगे या आपके लिए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है?
देखिए हम एक पार्टी बना चुके हैं, उसका मंशूर, उसके अफराद और मकासद इंशाल्लाह जल्द आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अपनी नई पार्टी के लिए काम करेंगे ना, अब एमपीएम वाले सोचो उनको क्या करना है। हमने एक पार्टी बना ली है 23 मार्च को, इंशाल्लाह अजीज पूरे पाकिस्तान की पार्टी है, पाकिस्तान के लोग शामिल होंगे। अब दोबारा एमपीएम में क्यों जाएंगे? हम बंद दुकान पे क्यों जाएंगे? अच्छी दुकान। शुक्रिया वसीम आफ्ताब भाई, और शुक्रिया बैसर सिपतुल्ला आफ्ताब। और मैं तो ज़रा बैसर सिपतुल्ला कादरी से ये भी मालूम करना चाह रहा था कि कुछ लोग लंदन में कह रहे हैं कि मियाँ साहब का बाकायदा उनका जो तफ्ती की जा रही है, जो उनकी डॉक्टर्स रिपोर्टें भेज रहे हैं, उसमें लगता है कि बैसर हैं मेरे पास, मैं एक मिनट पूछ लूँ उनसे ज़रा सी कुछ। तो फिर अच्छा, मैं चाह रहा था कि बैसर से ये भी मालूम कर लूँ, क्योंकि एक बड़ा मतजाद बयान आ रहे हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम जो खबर पाकिस्तान के हवाले से है कि हमारे सराइकी बेल्ट को पिछले दो हफ्ते से ज़्यादा से दहलाया हुआ है। कोई एक छोटा गैंग था, जमशेद रिजवानी हमारे साथ हैं, खुद मजहर खां वहाँ पर ऑन द स्पॉट, रहीम यार खां के कच्चे के इलाके मौजूद हैं। और ब्रेक के बाद आने के बाद पूछेंगे कि ख़ास तौर पर कहते हैं जी कोई 46 यरगमाली बनाए हुए हैं, पुलिस 7 हलाक हो चुके हैं, और अब जो ज़रब आहन यानी जो पुलिस का ऑपरेशन था उसकी जगह बराए रास्त फौज ऑपरेशन कर रही है। तो चलते हैं फिर ब्रेक के बाद राजनपुर, रहीम यार खां। N24 में मुजाहिद बेलवी आपको खुश आमदेद करता है। डॉक्टर हुमा बकाई मेरे साथ हैं, और मुझे एहसास है कि हम लोग तो यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए या जो रिपोर्टिंग करते हैं, और जैसे मैं मज़हर को देख रहा था कि बहुत मज़हर और फिर जमशेद रिजवानी जिस तरह उस इलाके में जहाँ गोलियाँ चल रहे हैं, जहाँ टैंक चल रहे हैं, वहाँ से बराह रास्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और रात के इस पहर में जब अंधेरा है तो रहीम यार खां के कच्चे के इलाके में मज़हर खान मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब बड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए हम बराह रास्त चलते हैं, फिर आप बात भी कर सकते हैं कि अचानक कहाँ से मज़हर ये जो जी डॉक्टर साहब एक्चुअली तो ये दोबारा जोर शोर से उठा है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या जो रिट ऑफ द स्टेट है वो बेहतर हुई है फौज के आने के बाद? जी मज़हर साहब तो एक अरसे से इस राजनपुर और रहीम यार खान के कट में काम कर रहा है। जी कच्चे के इलाके में छोटू गैंग एक अरसे से काम कर रहा है, और इसके खिलाफ पुलिस ने कई ऑपरेशन किए, लेकिन वो सारे ऑपरेशन नाकाम हुए। इस दफ़ा जो पुलिस ने ऑपरेशन किया तो उस ऑपरेशन में 7 पुलिस अहलकार शहीद हुए, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए। और जो 24 पुलिस अहलकार हैं जो पुलिस हुकाम मानते हैं कि वो छोटू ने अगवा कर लिए, जबकि पुलिस जो छोटू है वो ये दावा कर रहा है कि मेरे पास 30 पुलिस अफसरान और अहलकार हैं जो मैंने अपने पास बिठाए हुए हैं। इस हवाले से पाक फौज ने आकर अब चंद दिन पहले ही कमान संभाली है, और उन्होंने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। इसके अलावा डीसी रुझान ने यहाँ पर कर्फ्यू भी, राजनपुर ने यहाँ कर्फ्यू भी लगा दिया है। उसके अलावा दफ़ा 144 भी तहसील रुझान में लगा दी गई है पूरे कच्चे। अच्छा, ये एक अचानक नाम, ये एक अफसानवी किरदार आ कहाँ से गया? एक तो हम तो समझते पंजाबी तालिबान को समझते थे, लश्कर जंग भी समझते थे, ये जो छोटू गैंग जिसका आप कह रहे हैं कि डाकू जो है, एक अफसानवी किरदार बन गया, सुल्ताना डाकू बन गया, यानी ये अचानक नाम कब कैसे आ गया? मतलब बहुत स्पेसिफिक। ये भी बताइएगा कि ये भी रिपोर्ट हुआ मीडिया में कि पुलिस की जो इस वक्त कमजोरी हमें नजर आ रही है, या ये कि जैसे आपने कहा 30 पुलिस के अहलकार उनके कब्जे में हैं, उन्होंने 6-7 शहीद भी कर दिए, इसकी वजह ये थी कि पुलिस को शुरू में कॉम्प्रोमाइज रखा गया, उनको राशन नहीं दिया गया, उनके पास आर्म्स पूरे नहीं थे, तो इन सम वेज पुलिस को धकेल दिया गया था, या वो कुछ या वो कॉर्पोरेट या उनके साथ ताल्लुक में भी थे। पुलिस कोई ऐसे अवामिल थे जो पुलिस को कमजोर रख रही थी इस मुकाबले में, और अब फौज ने आकर सूरत हाल बेहतर की है, ये बात सही है? जी बिल्कुल, ये तो 200% ये बात सही है। और आईजी पंजाब ने कल यहाँ रहीम यार खान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि कई पुलिस अफसरान और अहलकार ऐसे हैं जिनके छोटू से डायरेक्ट ताल्लुकात थे। अच्छा। और उनके खिलाफ महकमाना इंक्वायरी शुरू कर दी गई है, और यही वो ताल्लुकात थे
جس کی وجہ سے پولیس کے آپریشن ہر سال ناکام ہوتے رہے. پولیس مسلسل یہ چھٹا سال ہے ہر سال آپریشن کرتی ہے لیکن وہ ناکام لوٹ جاتی ہے. اس دفعہ بھی یہی ہوا اور اس کی تربیت اور جو اسلحہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایمینیشن کا مسئلہ تھا وہ بالکل رہا ہے, لیکن آئی جی پنجاب اس کی کل تردید بھی کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی ہم نے بھرپور پلاننگ کی ہوئی تھی, یہ نیٹو بھی افغانستان میں ہار گئی, اس کو بھی پسپا ہونا پڑا, یہ آپریشنز میں ہوتا ہے. وہ اپنی کوتاہی یا اپنی وہ غلطی اور جو ناقص حکمت عملی ہے اس کو ماننے کی بجائے انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم پسپا تو ضرور ہوئے ہیں لیکن اس میں میری یا میری ٹیم کی کوئی قصور نہیں ہے. اس میں جو ہے قصور جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہم سے زیادہ طاقتور تھے. نہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے محکمے میں لوگوں کے تعلقات تھے ان سے اور اسی وجہ سے یہ آپریشن چھ سال میں چھوں دفعہ کامیاب نہیں ہوا اور راجو یہ جو چھوٹا چھوٹو ہے یہ طاقتور ہوتا چلا گیا اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ اس نے جو ڈیمانڈس کی ہیں فوج نے وہ ماننے سے انکار کر دیا. جی بالکل جی چھوٹو مسلسل طاقتور ہوتا گیا. چھوٹو کے حوالے سے یہاں جو چھوٹو کہنا بھی نہیں چاہیے, وہ یہ ہے کہ یہ ایک ہوٹل میں کام کرتا تھا. جی بالکل, اب تو اس نے بڑا کام کر دکھایا ہے, یقیناً وہ چھوٹو نہیں کہنا چاہیے. جی جی اب صورتحال کچھ بہتر ہے مظہر صاحب تو یہ اس حوالے سے یہاں کے جو جی بالکل فوج کے آنے کے بعد یقیناً یہاں پر جو چھوٹو گینگ ہے اس کا تمام جو ہے نا تو اس کو جو ایمینیشن وہاں پہنچتا تھا اور خوراک پہنچتی تھی اس تمام معاملات کو بالکل سیل کر دیا گیا. جبکہ سندھ کی طرف سے سندھ پولیس کو بھی وہاں جو گھوٹکی والا جو بارڈر ہے اس بارڈر کو بالکل جو ہے نا سیل کر دیا گیا ہے. وہاں 16 چوکیاں بھی قائم کی گئی ہیں تاکہ وہ کچے کے ایریے میں فرار نہ ہو سکے. اور اس حوالے سے اب یہاں یہ صورتحال ہے کہ آج بھی فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا چھوٹو گینگ. مظہر اگر میں آپ سے یہ سوال کروں بہت ہی کوئک اسپیسیفک کہ اتنا بڑا یہ گینگ جو ہے کیا ان کو کوئی ایسا لگتا ہے کوئی غیر ملکی ہاتھ اسلحہ اس بڑے پیمانے پر موسٹ ماڈرن اسلحہ کیا کوئی طالبان کوئی لشکر کوئی سپاہ کوئی اور لوگ انہیں یا کوئی یعنی کہاں سے اتنا بڑا ایمونیشن آ گیا؟ ورنہ ہم یہ سمجھے کہ پولیس سے چھینا ہوا کہاں سے آیا مدر یہ سب کچھ؟ جی اس حوالے سے ہماری بھی کچھ روز پہلے چھوٹو سے بات ہوئی تھی تو وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے تو پولیس ہی سپلائی کرتی تھی. اچھا جبکہ جو اس میں اس حوالے سے بھی اطلاعات آتی رہی ہیں کہ اس میں قلدم تنظیموں کے لوگ بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں, وہ مختلف آپریشنز میں بھاگ کر وہ وہاں آن پہنچے ہیں اور انہوں نے وہاں سٹے کیا ہوا ہے اور وہ بھی ان کے ساتھ مل کر یہ سیکورٹی فورسز کو ایک ٹف ٹائم دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جبکہ اس حوالے سے آئی جی پنجاب سے جب ہم نے کل پوچھا مشتاق سکھیرا صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہے اور میں اس حوالے سے کوئی بات ایسی نہیں کر سکتا. لیکن ایک بات ہے کہ اس حوالے سے جب بلوچ لیبریشن آرمی اور را کے جو تعلقات ہیں اس حوالے سے یہاں پر ایک مضبوط اور ایک کافی پکی قسم کی اطلاع جو یہاں کے لوگ بھی دیتے ہیں کہ یہاں باہر سے لوگ آتے تھے اور جاتے تھے اور پورا ایک جزیرہ نما ایک ایریا تھا جو کئی کلومیٹر پر مشتمل ہے جس پر چھوٹو نے اپنی ایک ریاست قائم کی ہوئی تھی اور وہ اس ریاست سے باہر آ کر بھی اپنی کام کر کے اغوا برائے تاوان اور دیگر وارداتیں کرتا تھا اور اس کے بعد جا کر جزیرے پہ بیٹھ جاتا تھا اور اس جزیرے پر جو لوگ ہیں وہ تقریباً 100 سے 200 کے درمیان ہیں جو آئی جی پنجاب نے مظہر خان مجھے جیسے میں نے کہا کہ اس پہ میں بھی ایک رپورٹر کی حیثیت سے ہی اپنے پروفیشن کا آغاز کیا, مجھے احساس ہے کہ آپ کس طرح وہاں پر ایک کچے کے علاقے میں اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کے جو ہے رپورٹنگ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے. اور واقعی اگر یہ لوگ جو ایک ایک چھوٹو نے جو ہے سرائی کی بیلٹ کو ہلا کر رکھ دیا ہے تو ایک بہت بڑا یہ سوال آ گیا ہے کہ پولیس جس پر کروڑوں اربوں روپے خرچ کرتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ آخر یہاں بھی فوج کی ضرورت ہی پڑے گی, ہر جگہ فوج ہی جائے گی. شکریہ ڈاکٹر ہما بقائی اور خاص طور پر مظہر آپ کا. مجاہد بزرگ کو اجازت دی, آپ کے سامنے پھر اسی وقت حاضر ہوں گے.